जो है ऑफर है, वाईफाई है और एसी 12 घंटे चलती है, सुबह रात 9 से सुबह 9। 12,000 रुपये में ये रूम मिल रहा है, ये छोटा पंखा मिला है, ये एक शेल्फ सी है, बेड है, ये कैबिन है, ये किचन है, ये खुद। अच्छा, गैस वैसे आप प्रोवाइड करते हो? हाँ। पीजी से बाहर आ गया हूँ। अच्छा सर, कुछ प्राइजेस में डिस्काउंट या समथिंग कुछ? 12,000 इज द प्राइस दैट वी ऑफर पर मंथ एंड फॉर नाइट 610। 100 रुपये में टिफिन देता है एक टाइम का? 60 वाला भी है टिफिन? 60 वाला भी है। 12,000 रुपये ना? कोई डिस्काउंट के चार्जेस? डिस्काउंट क्या चार्जेस हैं सर इसके? मंथली का 6,000। आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ब्लिसफुल टाइम विद द लव्ड एवरीवन्स। गाइस, इस वक्त मैं हूँ अंधेरी में, और अंधेरी में आज मैं ढूंढने निकला हूँ पीजी या फिर कह लो फ्लैट्स, सस्ते में कौन से मिल सकते हैं वो आज ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ। फिलहाल मैं विरार से निकला था 1 बजे और अभी 3 बज गए हैं। अगर आप सोचो आप ऑडिशन देने के लिए आते हो, 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं आपको ट्रैवल में, बशर्ते वो सस्ते पड़ते हैं। विरार, नाला सुपारा, वसई ईस्ट, मीरा रोड, भयंदर, ये एरिया सस्ते पड़ते हैं। बट मीरा रोड भयंदर नहीं बोलूँगा, पर विरार नाला सुपारा सस्ते एरिया है। बट अगर आप इतनी दूर इतना टाइम ट्रैवल करके आओ, एक तो थक जाते हो, ऊपर से ऑडिशन बढ़िया नहीं दे पाओगे, इस वजह से बेटर रहेगा अंधेरी में ही अगर आपको पीजी या फिर सस्ते में रूम मिल जाए। और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सिक्योरिटी रहेगी, वाईफाई मिलता है कि नहीं मिलता, खाने पीने को मिलता है कि नहीं मिलता, और क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जानते हैं। तो चलते हैं, ऑलरेडी वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ, 3 बज चुके हैं। हाँ, मास्क लगा लिया। भाई मैं पीजी ढूंढ रहा था यार रहने के लिए, आपका भी पीजी है? हाँ। क्या चार्जेस है? पर नाइट 5,000। पर नाइट? मंथली लेना हो तो? मंथली 12,000 रुपये। क्या क्या फैसिलिटीज़ है? वाईफाई, एसी। वाईफाई और एसी। और सिक्योरिटी? आपको हर मंथ से आपको पहले पे करना पड़ेगा, जैसे आप से, आप आज से रहना चालू करो तो एक मंथ का पहले पे करना पड़ेगा, फिर जैसे आपका मंथ लग जाएगा फिर आपको पे करना है। जैसे मान के चलो मैं एडवांस के तौर पे हम लोग पूरा मंथ का लेते हैं। हाँ, फिर वापसी? वापसी नहीं, आप जैसे कि आप पूरे मंथ रहेंगे, सिर्फ एक महीना ही रहना हो किसी ने तो? हाँ, तो आपको एक महीने का पेमेंट करना पूरा। हाँ वही, जैसे आज मैं आया रहने के लिए तो आज ही 12,000 रुपये दिया, पूरा महीना रहते? पूरा महीना देख सकता हूँ रूम? अच्छा, इस तरह से ऑफर है, वाईफाई है और एसी 12 घंटे चलती है, सुबह रात 9 से सुबह 9। वॉशरूम क्लीन है। फिर से कुछ लॉन्ड्री का सर 70 रुपीज़ जोड़। ओके, तो ये भी वैसे ही सेम? तो भाई ये थी स्टे विला डॉर्मेट्री, इसका रेट बता रहे हैं 12,000 रुपये, प्लस खाने के लिए खाना अलग से लेना पड़ेगा, 70 रुपये लगेंगे उसके, और उसके बाद सिर्फ वाईफाई मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं ले रहे, बढ़िया बात है। और ये पड़ता है वैसे 4 बंगलो महाड़ा, यहीं पे सारे ऑडिशन सब कुछ होते हैं। अभी ओमिक्रॉन के चलते यहाँ भी प्रॉब्लम ही है, पर देखते हैं क्या होता है। ये पिछली बार यहाँ आया था, ऑप्टिमिस्टिक। इसमें भी जाके पूछ लेते हैं मंथली रेंट क्या पड़ता है और डे रेंट क्या पड़ता है, क्योंकि इसी एरिया में है, लेट्स सी ये भी क्या बोलते हैं। भाई ओयो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, 50,000 रुपये महीना नहीं ले सकते भाई। डॉर्मेट्री लिखा हुआ है डीलक्स, यही था ये डीलक्स डॉर्मेट्री, यहाँ ट्राई करते हैं। केबिन सिस्टम भी है, डोमेटिक बेड सिस्टम, बट अभी क्या फुल है, केबिन सिस्टम सेपरेट रूम की तरह रहेगा वो आपको, उसके अंदर आपको लॉकर वगैरह रहेगा सारा, मिरर वगैरह सब कुछ लगा रहेगा, एसी, और उसके अंदर आपको किचन, वाईफाई, गीजर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्री ऑल टोल इंक्लूड रहेगा। और मंथली का सर 12,000 रुपीज़ है। कितना? 12,000। अच्छा, उसके अंदर किचन मतलब ऑल टोल जितना भी है सारा फैसिलिटी इंक्लूड है। वो पीजी का बता रहे हो? पीजी का जो केबिन सिस्टम है सेपरेट रूम, डॉर्मेट्री। हाँ, वो एक छोटा सा डॉर्मेट्री बेड है, वो बेड अलग है, कॉमन बेड अलग है, वो सेपरेट रूम की तरह केबिन सिस्टम। देख सकता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, फोटो में अंदर फोटो ले सकता हूँ ना उसका, कोई दिक्कत नहीं है आपको? प्लीज फोटो जो जिसके अंदर जाएगा चेक करने के लिए उसका ले लीजिएगा। हाँ, उसी को, प्राइवेसी किसी की क्यों खराब करें।
ऐसा है मतलब ऊपर से ओपन है छोटा सा पंखा है ये बेड है ये लॉक है ₹12,000 में ये रूम मिल रहा है ये छोटा पंखा मिला है ये एक शेल्फ सी है बेड है ये कैबिन है ये है किचन है ये खुद बना सकते हो कि आप खाना भी बना के बनाने का और फिर जो के रख देने का बर्तन अच्छा गैस वैसे आप प्रोवाइड करते हो हाँ ओके और वॉशरूम उस साइड वीडियो बनाते हो हाँ मेरा है चैनल हाँ नहीं इधर एक है दूसरा सारा नवी क्या बात कर रहे इसका क्या है मंथली का नंबर क्या है सर इसका क्या इस बंगले का नंबर क्या है सोसाइटी नंबर 43 अच्छा हाँ लिखा है D543 तो डीलक्स पीजी से बाहर आ गया हूँ ये रहा डीलक्स पीजी ये इनका नंबर है बहुत अच्छा था यानी सभी में डॉर्मेट्री है इनकी भी डॉर्मेट्री है पर डॉर्मेट्री की कॉस्ट है 9,000 से 10,000 रुपये और रूम की कॉस्ट है 12,000 रुपये तो डॉर्मेट्री में जाने का मतलब नहीं है घुटन वाला छोटा सा रूम कैबिन सा मिल जाता है बस तो लेट्स सी और भी एरिया एक्सप्लोर करते हैं कहीं अच्छा और मिलता है तो इट्स गुड टू गो गैस वगैरह सब अपनी देते हैं और खाना आपको खुद बनाना है पर और वहाँ पर मॉडल एक्टर ये सब लड़के रह भी रहे हैं आज बाजू तो लेट्स सी आगे और कुछ हाथ में नंबर लिखे हैं 68177117 इसमें जाना है और ये पीछे है 6568 ये है हेलो सर सर पीजी है क्या चार्जेस है सर फॉर डे फॉर अ मंथ 12,000 एनी सिक्योरिटी और समथिंग सॉरी कोई सिक्योरिटी भी पे करना है समथिंग सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना रहता है नो नो सिक्योरिटी अमाउंट बरून जरा दिखा क्या प्लीज ओके चार बंदों का शेयरिंग है चार बंदों का शेयरिंग है नहीं हाँ सात बंदे शेयरिंग है क्या चार्जेस है पर डे नहीं मंथली 12,000 इसमें हाँ और डबल शेयरिंग में डबल नहीं ये तो इसमें ऐसा ही सब ही है सारे सेम है पर डे का क्या चार्ज है 610 खाना पीना साथ में इन्वॉल्व रहता है कि क्या सीन है उसका खाना पीने का आप ऑर्डर करके यहाँ भी खा सकते हैं नीचे भी खा सकते हैं मंथली कितना पड़ेगा खाने का आपको बाहर से यहाँ खाना नहीं मिलता यहाँ खाना नहीं मिलता नहीं। बाहर कितने का पड़ता है अगर यहाँ पे खाना वाना कराना हो तो आप जोमेटो से स्विगी से अब तो बाहर इधर रेस्टोरेंट होटल 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये थाली टिफिन देता है 100 रुपये में टिफिन देता है एक टाइम का 60 वाला भी है टिफिन 60 वाला भी So I am even checking out for myself as well and want to make a video for the people who watch me on YouTube. Okay. Can I share your card on my channel? No issue. Fine with you. Okay. Okay sir. Acha sir kuch prices mein discount ya something kuch
12,000 is the price that we offer per month and per night 610 rupees. जो अगर कोई 5-10 दिन ऐसे में रहता है, we give them discount in daily basis. Monthly में there is no discount. Okay. And washing machine available? That is available. Yes. Okay. Thank you. ये कार्ड है हैप्पी नेस्ट, ये इनके नंबर हैं, ये पूरा ये था हैप्पी नेस्ट। पर डे में कुछ डिस्काउंट कर देते हैं जिनको 5-6 दिन रहना उनके लिए, पर मंथली बेसिस पे नो डिस्काउंट। और वॉशिंग मशीन है, एसी है, बेड बंकर्स टाइप में है। पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, यहाँ पे उनसे मैंने परमिशन ले लिया, आपका कार्ड शेयर कर सकता हूँ, जैसे हाँ कर दीजिए तो ओके। ये ऐसा कवर रहेगा? मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो मैं वो भी बना रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे अवेलेबल है, ताकि और भी बच्चे जो चाहते हैं आना वो देख सके। तो आपका कार्ड शेयर कर सकता हूँ ना यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, वो दे देगा। ये कमरा दिखा सकते हो? अच्छा, ऊपर वाला दिखा। ₹12,000 पे ना? हाँ। कोई डिस्काउंट के चार्जेस? डिस्काउंट के साथ में ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया ना, 12,400 पर डे हो गया। ये बाथरूम? वॉशिंग मशीन नीचे है। वॉशिंग मशीन मिलती है? हाँ, पर डे मतलब वन टाइम चार्ज का, वन टाइम का वो वॉश का ₹100 चार्ज करते हैं। अच्छा, शेयर कर सकता हूँ ना यूट्यूब पे नंबर आपका, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कर सकते। ठीक है, क्या कोई आपको फिर कांटेक्ट कर सकता है कि रूम चाहिए ऐसा? पूरा एरिया देख रहा हूँ जो मेरे को कम और वो सब बढ़िया में लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी आपका जनवरी में मिलेगा? तो अभी तो ये फ्री नहीं है, जैन में फ्री होगा। और वही ऑलमोस्ट सेम ही है, 12,000 पे सभी ले रहे हैं, 12,000 से नीचे किसी का नहीं है। तो अभी 117 भी हो गया, अब 141 और 177 ये दो एक्सप्लोर करने बाकी। दिस इज़ 144, 143, 142, 141, लेट्स गो इन। क्या चार्जेस हैं सर इसके? मंथली का 6,000 रेंट है। और कुछ सिक्योरिटी वोरिटी भी लेते हैं सर? सिक्योरिटी लेता नहीं हूँ, एडवांस रेंट। आप आओगे एडवांस रेंट चाहिए, फिर एग्जाम खत्म होगी आपका महीना, फिर यू टू पे रेंट। लॉकर, वाईफाई, वॉशिंग मशीन सब कुछ फैसिलिटी है। तो भाई, चार बंगलो एरिया तो ख़त्म हो गया, ये पीछे वाला एरिया चार बंगलो एरिया था, अभी अभी यहाँ आता है लोखंड वाला, और लोखंड वाला के रेट्स तो आसमान छूते हैं, वहाँ नहीं सोच सकते। पर ये वाले एरिया में ऑलमोस्ट 12,000, एक पर्टिकुलर फिगर मान लो 12,000 रुपये लेते हैं मंथली लोग, सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, मतलब आपको जो रेंट है वो पहले ही देना है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपको एक ही बार में 12,000 पकड़ाना है और रहना है। और कहीं कहीं जगह पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब फ्री में अवेलेबल है, कई जगह पे 100 रुपये मांग रहे हैं, कई जगहों पे एसी अवेलेबल है, कई जगह पे बंकर बेड्स हैं, और कई जगह पे बंकर बेड नहीं है, एक डॉर्मेट्री है, और कई जगह पे आपको मिल रहे हैं सिंगल रूम। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं और एक्सप्लोर करूँगा, लेट्स सी, चलते हैं। और ये बस स्टॉप है, जाते हुए इसे पकड़ सकते हैं यार, बढ़िया है। एक वर्सोवा विलेज है, वर्सोवा विलेज में रेट है 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे में भी मिलते हैं, पर वहाँ रूम ऐसे नहीं होंगे, वहाँ पे एरिया थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, जैसा ये एरिया है वैसा उतना अच्छा एरिया वो नहीं है, मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, वहाँ भी चलेंगे। सोवा में अपने को भाड़े पे रूम वूम मिल जाएगा क्या, कुछ है नॉलेज आपको? हाँ, मिल तो जाना चाहिए। देखो, यहाँ से बाहर जाओगे ना गली से, बाहर वाले रेट बहुत हाई बता रहे हैं, मेरे को चाहिए 5-6,000 के अंदर अंदर। 1 BHK नहीं मिलेगा?
कुछ छोटा मिल गया, 1 आर के मिल गया, कुछ मिल गया, सिंगल पर्सन मिल गया। है कोई दिखा सकते हो अगर आप जानते हो? आप यहाँ से बाहर जाओगे ना गली से? आप कहाँ रह रहे हो? इधर बाजू बाजू में। इससे आगे वाला तो आपका कितना लेते हैं? 9000 रेट है ये। अगर 1 आर के लोगे तो 7 तक पकड़ के चलो, 6 या 7 के बीच। हाँ इतना। 1 BHK के लोगे तो 11 के आस पास। 1 आर के 6-7। आप यहाँ से बाहर जाओगे ना गली से, राइट जाना। तो पीछे मेरे है वर्सोवा बीच और ये है वर्सोवा विलेज। वहाँ फेरी क्रॉस करके जाना पड़ता है मड आइलैंड में। मड आइलैंड में कह रहे हैं कि आपको 5-6 हज़ार वाले रूम मिल जाते हैं, बट वर्सोवा विलेज में भी नेट पे यूट्यूब पे काफ़ी बच्चों ने वीडियो डाली है जहाँ पे उनको मिल रहे हैं रूम 3,000-4,000 में भी। बट मैं जब पता करके आया मेरे को 9,000 से नीचे कोई रूम नहीं पता लगा, और 9,000 के ऊपर 20,000 सिक्योरिटी देनी है। आप समझ रहे हो, 9,000 तो देने हैं, 20,000 सिक्योरिटी देनी है, प्लस 1 RK एक रूम है, बाथरूम अटैच है, दैट्स इट, 1 रूम ओनली, और बस इतना सा है। तो 9,000 तो बहुत ज़्यादा है यार उस हिसाब से। हो सकता है अंदर बहुत ज़्यादा घूमने पे 3-4-5 हज़ार का रूम मिल जाएगा, बट मेरे को वाइब्स अच्छी नहीं आई वो वाली। कहते हैं ना कि मतलब एक अपील होता है दिल को, अपील नहीं किया। खैर ऐसा ही है। और फेरी यहाँ से कहीं से जाती है मड आइलैंड पे, और मड आइलैंड पे 4-5 हज़ार में रूम मिल जाता है। बट मड आइलैंड में प्रॉब्लम क्या होगी, फिर फेरी लेके जाओ, फिर फेरी से आओ, फिर यहाँ से आगे ऑटो करके जाओ या बस पकड़ के जाओ अपनी ऑडिशन प्लेस पे, कोई मतलब नहीं बनता। नहीं तो फिर आप नायगांव विरारी रह लो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इतनी दूर से ही ट्रैवल कर लो, वहाँ पे रूम भी इससे सस्ते मिल जाएंगे। बेटर यही रहेगा कि आप डॉर्मेट्री ले लो, नहीं तो आप फिर वो ले लो PG जो देख के आया हूँ, वही बेटर ऑप्शन है। कॉस्टली है यस, 12,000 इज़ टू मच, बट सिक्योरिटी नहीं है कोई भी। आपको एक महीने का रेंट पहले देना है, 12,000 देने, दैट्स इट। और आराम से रहिए वहाँ पे, इंजॉय करिए, और ऑडिशन प्लेसेस पे फटाफट जा सकते हो, ऑडिशन दे सकते हो। आप ये सोचोगे यहाँ तो वाइब्स अच्छी आनी चाहिए, यहाँ पे बीच है, सब कुछ है, बट नहीं, ये जुहू नहीं है, ये वर्सोवा विलेज है। दोनों में बहुत फ़र्क है, वहाँ की वाइब्स और यहाँ की वाइब्स में बहुत फ़र्क होगा। तो बेटर ऑप्शन यही निकला है, अगर किसी को ऑडिशन पर्पज़ के लिए आना है यहाँ पे, या फिर एक्टर बनने के लिए आना है, बेटर 4 बंगलों में रहो, और वहाँ रहोगे तो हो सकता है 3-4 जगहें और पता लगें जो कि सस्ती हों। फिलहाल तो मुझे जो दिखा वो 4 बंगलों ही दिखा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई जेन्युइनली होप कि ये वीडियो ने आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करी है, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक्टर बनना चाहते हैं या मुंबई आना चाहते हैं। आई बिलीव कि हेल्प होगी उनकी भी। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करते जाना, और हो सके अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी की मुस्कुराहट की वजह बने तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात पे यकीन बनाए रखें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा अच्छा होगा।